हे गाइस, मैं हूं शुभम, आप लोगों के सामने हाजिर हूं और एक स्टोरी लेकर। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि माइनर की स्टोरी बना, तो इस वाला वीडियो होगा माइनर की स्टोरी के बारे में। और जो लोग अभी तक मेरे प्रीवियस स्टोरीज वीडियो नहीं देखा है, जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वाला वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 30 लाख, तुम लोग पूरा कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। जैसे कि पता है, हम लोगों को विलेज में एक बिल्डर है जो बिल्डिंग बनाता है, और जितने भी ऑब्स्टिकल आता है जैसे कि ट्री स्टोन वगैरह, वो सब कटता था। और बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारा वुड नेसेसरी है, वो वुड आता था वो ट्री वगैरह से, मतलब ऑब्स्टिकल से। लेकिन बिल्डर वो वुड कैरी करने नहीं पा रहा था, उसको अच्छा नहीं लगता वो सब कैरी करने के लिए, वो जस्ट बिल्डिंग बनाने में काम अच्छा लगता था। और वो सब वुड कैरी करने के लिए वो एक वर्कर को रखा है, जो वर्कर दिन पे सोता रहता है और धूप में इसका काम करना अच्छा नहीं लगता, वो रात में काम करता रहता हाथ में मोमबत्तियाँ लेकर। वो वर्कर क्या करता था, रात में हाथ में मोमबत्तियाँ लेकर जितने भी वुड हुआ है सब वुड को लेकर आता था विलेज में, और दिन में बिल्डर वो वुड को लगा के बिल्डिंग बनाता था। वो वर्कर और बिल्डर मिलके हम लोग विलेज में बहुत काम किया। वो ऐसे करके टाउन 10 पे आ गया है, और टाउन 10 पे आने के बाद चीफ ने उजर्ट को बोला एक नया टोर्च लेकर आओ। तो उजर्ट सोचने लगे, तो उजर्ट सोच सोच के ऐसा आइडिया उजर्ट के माइंड में कि उन्हें हम एक ऐसा ट्रोप्स बनाएं जो ट्रोप्स ग्राउंड के नीचे से जाके अटैक करे। तो उजर्ट सोचने लगा किसके ऊपर रिसर्च करने से ऐसा ट्रोप्स निकल कर आएगा। तो तब जाके सडनली इसके माइंड में एक आइडिया आया कि ना हम उस वर्कर को लगा के रिसर्च करें। तब जाके उजर्ट ने उस वर्कर को बुलाया और बोला कि तुम हाथ में एक कैंडल लेके आओ और एक बेलचा लेके आओ। तो लेके आया कैंडल और बेलचा लेके वो वर्कर, और उजर्ट ने बोला तुम चले जाओ लेबोरेटरी में। तो वो वर्कर कैंडल हाथ में, कैंडल और एक हाथ में बेलचा लेके लेबोरेटरी में घुस गया, और उसके ऊपर एक हाथ को स्पेल दे दिया। तो लगभग एक दिन के बाद एक ट्रोप्स निकल कर आ गया। जो ट्रोप्स के पास एबिलिटी था कि ग्राउंड के नीचे बहुत स्पीडों से तेज़ी से जाके अटैक कर सकता है, वो एबिलिटी मिला है आर्थक्विक से। वो ग्राउंड बहुत नरम हो जाती है, वो आराम से चला जाता है ग्राउंड को खुदाई करके। तो ऐसे करके माइनर रिलीज हुआ है। तो आपको कैसा लगे छोटा सा स्टोरी, अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना, जो मैंने एम रखा है उसको पूरा कर देना, और नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट स्टोरी किसके ऊपर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।